बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे ब्रांड्स वाली शलवार, प्लीटेड शलवार, जो बॉक्स प्लीट्स ऊपर डल जाती हैं फ्रंट में। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा फुल शलवार का ले लिया, 2.5 मीटर होता है, 4 फोल्ड्स इसको मैंने कर दिए हैं और मैंने सीधी साइड ही बाहर रखी है। मैं मार्किंग इसी के ऊपर करती होती हूँ कि इसकी क्रीज बहुत अच्छे से हमने बनाई होती है। तो इस तरीके से मैंने इसको बिछा लिया और एक साइड से मैंने इसको सीधा कर लिया। अब हम जब निशान शुरू करेंगे ना लगाने, तो ऊपर से बेल्ट का 1.5 इंच का छोड़ के और नीचे से हम स्टार्ट करेंगे 1.5 इंच छोड़ के, और इस निशान पर मैंने रख लेना है जो 1/2 इंच का निशान लगाया है। और यहाँ से मैंने इसकी लेंथ निकाल लेनी है, मेरी 37.5 है और मैं इसके साथ ये तैयार लेंथ है, और एक्स्ट्रा फिर हम फोल्डिंग का रख के सीधा कर लेंगे निशान को। अब चौड़ाई में मैंने इसे 20 इंचेस लेना है। तो अब शलवार का घेर मैंने 20 इंचेस लेना है, तो मेरा 2 इंच कम पड़ रहा है, मैं इतना जोड़ बाद में लगाऊंगी। चादर पर मैंने मार्क कर लिया है। अब 1.5 इंच छोड़ते हुए ऊपर से आसन का निशान लगाएंगे 16 इंच पर, और यहाँ से चौड़ाई भी मैंने 20 इंच का निशान लगा लिया। और अब यहाँ पर निशान सीधा कर दिया मैंने। पौचे का निशान मैं 7.5 पर लगा रही हूँ और 1 इंच मैं लूजिंग दे रही हूँ सिलाई का मार्जिन, और यहाँ से भी मैं इसका मार्क कर लूँगी। और फिर इसके बाद शेप पट्टी से हम निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं शलवार का, और यहाँ से हम इसकी सिलाई का मार्जिन भी ड्रॉ कर लेंगे। और ये कटिंग है हमारी, पांचा हमेशा बन साइड पर काटा की करें ताकि जो कपड़ा बच जाए वो वेस्ट ना हो और वहाँ से हमारे काम आ जाए। अब मैं नीचे फोल्डिंग का एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ, 2.5 इंच 3 इंच जितना आप फोल्ड करना चाहें। मैं इस पर पौचा बनाऊँगी तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, और निशान सीधा करके बस इसकी कटिंग कर देंगे सिंपल। यहाँ से इसका नीचे से फोल्डिंग का भी हमने साथ ही कटिंग कर लेना है। अब जो पीस हमारा निकल आया साइड से, इसी को हम साइड पर जोड़ लगाएंगे। अब यहाँ पर 1 इंच निशान लगा के इस निशान को सीधा कर देंगे, और 1 इंच तक इसको पीछे करके कपड़े को हम यहाँ से रख लेंगे। और जो अब हमारे नीचे मार्किंग हुई हुई थी ऑलरेडी, यहाँ से दोबारा से नाप के एक दफ़ा घेर को भी और आसन को भी, और हम यहाँ से इसको दोबारा से शेप करके और कट कर लेंगे। इस तरीके से दोबारा से मार्क्स हो रहे हैं जो पहले मैंने नीचे लगा दिए थे, तो इससे हमारी जोड़ लगाने में आसानी होती है। ये भी टिप है आप लोगों के लिए। अब मैंने कटिंग कर लिया जोड़, और सबसे पहले हम इसी को ज्वाइन करेंगे। मशीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको आगे स्टिच करके बताती हूँ। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं स्टिच करना, और सबसे पहले ये जोड़ हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो मैं आपस में जोड़ सारे अटैच करके आपको अभी दिखा देती हूँ। जोड़ मैंने सिलाई कर लिए हैं, और मैं आपको इस तरीके से रख के मैंने इसको बिठा दिया सिलाइयों को सारी, आप देख सकते हैं प्रेस करके। और अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये बंद साइड है आप देख सकते हैं, और जो जहाँ पे जोड़ है वो दरमियान की साइड है। अब यहाँ से 5-5 इंच ऊपर की तरफ से हम निशान लगाएंगे, 5-5 इंच यहाँ से निशान लगा के इनको सीधा कर लेंगे हम लोग इस तरीके से। और हमने जो प्लीट लगानी है वो इसी 5 इंच तक लगाएंगे। अब सबसे पहले बिल्कुल सेंटर वाले जोड़ से यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे, और उसके बाद एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे, और नीचे की तरफ भी इसी तरह निशान लगा लेंगे ताकि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ हो। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो अब एक जो खाना है हमारा 3 इंच है और एक 2 इंच है। दोबारा से फिर एक 2 इंच का और एक 3 इंच पर मार्क करेंगे। सेम मार्क हम ऊपर दोबारा करेंगे, और दोबारा से इसको इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये हमारे 2 दफ़ा निशान हो गए, और एक ही निशान सिंपल इसी तरीके से हमने तीसरी बार भी करना है, यानी 2 इंच और 3 इंच का निशान लगा के सीधा कर लेना है। ये एक साइड मैंने आपको बताया, अब दूसरी साइड पर भी आप लोगों ने निशान लगाना है। अब ये जो क्रॉस है ये हमारे 3 इंच वाला है, और इस पर प्लीट डलेगी और दरमियान में हमारा गैप रह जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कट्स लगा रही हूँ, और कट्स लगाने के बाद इसको दूसरी तरफ हम आसानी से निशानों को हम मार्क कर सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करके। और आप मार्क कर लें, या फिर आप इसी तरीके से जिस तरह मैंने यहाँ पर नाप करके मार्किंग की है आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कर लिया। अब प्लीट लगाने के लिए मैं इस तरह से उठाऊँगी इसको, जो क्रॉस वाला 3 इंच का मार्क है, और इसकी जो 2 लाइन्स हमने ड्रॉ किए हैं वो इसलिए किए हैं ताकि हमारी सिलाई यहाँ पर सीधी आए। तो इस सिलाई की इसको दोनों तरफ से हम इस तरीके से चेक कर लेंगे एक बार कि ये हमारी सिलाई आमने सामने निशान आ रहा है या नहीं, यानी जो निशान इस साइड पे लाइन आ रही है यही सेम पीछे भी आनी चाहिए। और अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। आप सिलाई ऊपर से स्टार्ट कर लें तो बेहतर है, नहीं तो दोनों साइड से कर सकते हैं। और सिलाई लगा के नीचे ला के और इसको थोड़ा सा पक्का करेंगे, यानी डबल सिलाई यहाँ पे करेंगे। एक प्लीट हमने डाल दी है, सेम इसी तरह से हम दूसरी को उठाएंगे ये वाला, और इधर भी एक प्लीट इसी तरीके से हम लगा लेंगे, और सेम इसी तरह से तीसरी प्लीट भी मैं लगाऊंगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ।
और दोबारा से मैंने एक तीसरी प्लीट लगा रही हूँ और बाकी प्लीट्स जो हैं सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं लगा लूँगी और ये प्लीट सिर्फ आगे लगेंगी, ये बात जहन में रखिएगा। तो सारी प्लीट्स कंप्लीट हो गई हैं, अब इसको प्रेस करने का टाइम है। तो प्रेस किस तरीके से करेंगे, हम इस प्लीट को खोल के इस तरीके से बिठाएंगे, इसकी मिडल वाली बिल्कुल सेंटर उसके साथ सिलाई के साथ हम करेंगे। और ये देखें मैंने इसको प्रेस कर दिया है, ये फ्रंट साइड है और मैं सीधा करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब इसकी बेल्ट की तैयारी हम करेंगे। तो कपड़ा मैंने जो लिया है अर्ज वाइज जोड़ा, यही जो जिस तरह से फोल्ड हुआ था उसी तरह लिया है और यहीं से हम आड़ा कपड़ा लेंगे बेल्ट के लिए। तो मैंने 4 इंच की पट्टी इधर से निकालनी है, पहले कपड़े को सीधा ज़रूर कर लिया करें और उसके बाद 4-4 इंच पर निशान लगा के, ऐसी 2 पट्टियाँ मेरी लगी थी, आपकी हो सकता है 1 लग जाए लेकिन 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं इस नाप के मुताबिक। तो 2 पट्टियाँ मैंने कट करके इसकी रेडी कर ली हैं बेल्ट के लिए और इसके बाद हम इसको साइड पे कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और पीछे वाली जो बेल्ट है ये मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे शलवार का जो हिस्सा है उस पर भी हम मिडल से 1-1.5 इंच छोड़ के और 1.5 इंच की 3 प्लीट्स लगाएंगे इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। दोनों साइड पे आपने लगा लेनी है। तो मैं मशीन पे भी आपको एक साइड पे लगा के दिखा देती हूँ। और इस तरीके से देखें सेंटर से हमने स्टार्ट किया है और 1.5 इंच के फासले पर हम मैंने 3 प्लीट्स आगे पीछे 1.5 इंच की लगा दी हैं इस तरीके से। और यही सेम प्लीट्स आपने दूसरी साइड पर भी लगा लेनी है, यानी बैक साइड पे। बैक साइड पे ये सिंपल प्लीट्स लगेंगी। अब आप देख सकते हैं फ्रंट पीछे है और बैक सामने है और इन पर मैंने ऊपर एक सिलाई लगा के इसको सेट भी कर दिया ताकि प्लीट्स हिले नहीं। और अब मैंने ये बेल्ट का कपड़ा लेके सेंटर से स्टार्ट करना है, बैक साइड से इसके ऊपर सिंपली रख के और सीधी साइड आपस में सामने रख के आमने सामने, और मैंने एक तरफ से स्टार्ट कर दिया है बैक साइड से और ये सिलाई घुमाते हुए पूरे कंप्लीट हम राउंड लगा लेंगे। और उसके बाद एंड पे मैं आपको हम आ गए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा को मैं यहाँ से कट कर दूँगी, एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है हमारा, ये एंड तक आप सिलाई ले आएँ और थोड़ा सा इसको रख के कट कर देंगे और फिर इन दोनों सिरों को मिला के इसको बंद करके और इसको जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। इस तरीके से इसको खोल के और हम इसके साथ जो थोड़ी सी सिलाई हमारी रह जाएगी गैप उसको भी हम लगा लेंगे। अब इसको प्रेस करके सारी सिलाई हमारी जो दबाव है वो ऊपर की तरफ हम बेल्ट की तरफ कर देंगे। ये देखें मैंने कर लिया है और ये सामने की मैंने आपको बेल्ट दिखाई है। अब बेल्ट की तैयारी के लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच और लंबाई मैंने इसकी ली है 12 इंच। और इसका सेंटर कर लेंगे सबसे पहले इसको फोल्ड करके और इसी तरीके से चौक से हम उसका शलवार का भी सेंटर यहाँ से, क्योंकि हमने पीछे से स्टार्ट की थी तो इसका सेंटर नहीं बना हुआ होगा, तो यहाँ से हम सेंटर करके निशान लगा लेंगे। और अब ये बुकरम हम बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला के यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करेंगे, हमारा दबाव भी इसमें छुपना चाहिए। ये यहाँ सिलाई के ऊपर ऊपर हम इसको लगा लेंगे प्रेस करके, और प्रेस अच्छे से कर लेना है हमने। अब ये आप देख सकते हैं मैंने प्रेस कर दिया। अब हम इसका निशान लगा लेंगे और एक इलास्टिक का पीस हम लेंगे और ये हमारी कमर का हाफ होगा, यानी 20 इंचेस है कमर का नाप, तो मैंने 40 इंचेस है तो मैंने 20 इंचेस लिया इलास्टिक। और अब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे बुकरम वाले पार्ट को, बिल्कुल दरमियान से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे सीधी सिलाई लाते हुए जहाँ पे हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है 1 इंच या 1/2 इंच पहले हम यहाँ पे इलास्टिक प्लेस करेंगे। लेकिन इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए जब हम नेफा बनाएंगे। यहाँ से हम इसको अटैच कर लेंगे, एक बार सिलाई को डबल कर लें, बेशक उसी सिलाई के ऊपर मैंने थोड़ा सा एक पाँव का फासला रख के सिलाई की है, आप उसी के ऊपर भी दोबारा से लगा सकते हैं। अब यहाँ से मैं जो हूँ इलास्टिक को सिलाई में नहीं लाऊँगी, मेरा इलास्टिक अंदर फ्री होगा यानी घूम सकेगा। ये इस तरीके से सारा नेफे में हम इसको फोल्ड कर लेंगे, पूरी फोल्डिंग हम इसकी सीधी सीधी कर लेंगे। और दूसरे एंड पर जाकर मैं आपको अब बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको ख़त्म करना है। तो हम आ गए हैं दूसरी तरफ, इस तरह से आप खींचते जाएंगे इलास्टिक को, क्योंकि ये इलास्टिक तो छोटा होगा और शलवार का हिस्सा बड़ा होगा तो हमें लाजमी उसमें जो नट इस तरह से करके इलास्टिक को खींच खींच कर लगाना है। और अब हम एंड में आ गए हैं तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये हम थोड़ा सा बुकरम के ऊपर चढ़ा के इसको, और जैसे हमने स्टार्ट लिया था उसी तरीके से हम इसको एंड करेंगे। ये यहाँ से देख सकते हैं कितना मैंने रखा है इसको, इस तरह के तरीके से कवर करके, और एक सिलाई इस पर हम लगाएंगे चौड़ाई में यहाँ से इस तरीके से, और फिर दोबारा से हम इसको डबल करेंगे
सिलाई को पक्का करेंगे और हम ला के बाकी सिलाई हम दरमियान में ही कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट कर दिया करें साथ साथ। तो ये हमने कर लिया है। अब इसकी चुनट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी टिप है आपके लिए। बिल्कुल दरमियान वाले जो दो निशान होते हैं यानी दरमियान से फ्रंट वाला और बैक वाला, इनको पकड़ के साइड्स पे रख लें, बिल्कुल साइड पे होने चाहिए। और इनको खींच के बार बार आप खींचें तो ये इक्वली सारी चुनट हमारी आ जाती है। ये देख सकते हैं आप कि फ्रंट और बैक को मैंने कैसे पकड़ा है। और अब इस पर टॉप स्टिच में कर रही हूँ। इलास्टिक पर होगा सिलाई, टांके को मैं बड़ा कर लेती हूँ यहाँ पर और खींच कर इसको बिल्कुल खींच कर हीक लगाना है आपने। अगर आप खींचेंगे नहीं तो फिर ये बाद में खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हैं इसकी लुक। फ्रंट से बेल्ट है, पीछे से चुन्नट है और आगे प्लीट्स हैं। नीचे से मैंने सिंपल पोंचा बनाया है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।